हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे ऑटोडेस्क पावर मिल के अंदर देख सकते हैं। ये मॉडल है हमारा, ये मॉडल में आज मैं बताने वाला हूँ। ये जो हमारा रनर है, ये देख सकते हैं रनर है, इसका प्रोग्रामिंग कैसे हम लोग करते हैं, 2D में करते हैं या 3D में करते हैं यार। तो ये स्टार्ट में प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। ये इंजेक्शन मोल्डिंग के हमारे रनर है, इसका प्रोग्रामिंग करूँगा। उसमें देख सकते हैं होल भी है इसके अंदर। तो कितने भी होल्स हैं, पहले आपको होल्स कर लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको रनर को मशीनिंग करेंगे। नहीं तो अगर पहले हमारा स्लिप बन जाएगा तो हम लोग डीलिंग करने जाएंगे तो हमारा डील टूट जाएगा, नहीं फिर हमको कटर से मशीनिंग करना पड़ेगा। तो आप इसको पहले भी कर सकते हैं, अगर बाद में करना रहेगा तो आपको कटर से चलाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा सफाई जाएगा, उसके लिए आपको ये पहले करना पड़ेगा। अब आगे हम लोग इसको करने के लिए, इसको आपको 2D में कैसे करते हैं फिर मैं बता देता हूँ आपको। 2D हम लोग कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा ही, तो पहले इसके लिए हम पैटर्न में चले जाएंगे। पैटर्न में जाने के बाद और पैटर्न को ले लेंगे, ये ऑप्शन जो दिख रहा है आपको उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ इधर भी पैटर्न चाहिए आप उधर जाकर पैटर्न क्लिक करेंगे। हमको किधर किधर पैटर्न चाहिए पहले लोगों से क्लिक कर लेते हैं। तो मेरे को पैटर्न चाहिए ई फेस पे, एक फेस पे, एक फेस पे, ई फेस पे, तो हम यस कर लेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रख लेना है, जैसे कि ये कटर जो ये रनर है हमारा, ये 10 का रनर है। लेकिन आप प्रोग्राम का तो आपको किसका जो प्रोग्राम है इसकी सेंटर लाइन में बनाना है, सेंटर लाइन में। ये 10.16 का रनर है, इसका हम लोग साइज भी चेक कर लेते हैं कितने का साइज है। तो इसका साइज चेक करने के लिए हमारा हम लोग ले लिए। अभी हमारा पैटर्न पैटर्न आ गया, इसमें तुमको कौन पैटर्न आनी चाहिए, जो पैटर्न नहीं चाहिए मैं उसको डिलीट कर दूँगी, चेंज कर दूँगी। जो जो पैटर्न नहीं चाहिए उसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, इधर चेंज करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। इसको भी डिलीट कर लेंगे, इसको हम लोग डिलीट नहीं करेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे, इसको भी डिलीट कर लेंगे। ये तो हो गया कि हमने इसको भी डिलीट कर लेंगे वन साइड में, इस साइड पर रहने देंगे, ये हो गया। अब इसको हम लोग मर्ज नहीं करेंगे, ऐसा ही रहना चाहिए सिंगल सिंगल। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट में चले जाते हैं, लाइन को सेलेक्ट करेंगे। ये हम लोग सेलेक्ट करेंगे कितना डालेंगे, 5.08 हम लोग कितना डालेंगे, 5.08 और इंटर करेंगे, ये ऑफसेट हो गया। ये सब कहीं ऑफसेट हो गया, सेंटर में चला गया। ऐसे ही सबको करेंगे, इसको भी क्लिक करेंगे, 0.8 0.8 0.8 ये आ गया। लेकिन अभी ये देख सकते हैं इसके अंदर इसमें गैप है, तो इसको हम लोग को बंद करना पड़ेगा इसके स्तर। हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लाइन में चले जाएंगे, लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इधर से लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, इस लाइन को लाइन मेरे सेलेक्ट हो रहा है, इसमें जाकर नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इधर यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, सर हो गया। अभी ये दोनों लाइन अभी क्रॉस में जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पॉइंट होगा, ऐसा हमारा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे लाइन को, इसके सेलेक्ट करने का और इधर क्लिक करके एक्सटेंड कर देंगे, इधर भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। इधर आ गया, अभी लाइन देख सकते हैं एकदम पॉइंट जगह पर आ रहा है, ये देख सकते हैं लाइन, ये पॉइंट एकदम जगह पर आ रहा है, पर हमें गलत नहीं है बराबर। तो इसके पैटर्न आपका आप क्या करोगे, अभी जो पैटर्न एक्स्ट्रा उसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट कैसे करोगे, आपको जाना पड़ेगा फिर से डिलीट में, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ए वाले ऑप्शन को लेंगे और यहाँ को ट्रिम कर देंगे, तो ये वाला लाइन को डिलीट।
करना है, सेफ में चले जाएंगे, सेफ में करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको और इसको, तो दोनों को सेलेक्ट करके साथ में मर्ज कर देंगे, ये दोनों एक साथ में मर्ज हो गया, ये अलग मर्ज हो गया, इसको और इसको एक साथ मर्ज कर देंगे। ऐसा हो गया, इसको मर्ज कर देंगे, ये अलग हो गया, ये अलग मर्ज, तो अलग, ये अलग अलग हो गया, ये हो गया हमारा, देख सकते हैं कि अभी नहीं हुआ, इधर भी अलग। सब साथ में सेलेक्ट हो गया, मर्ज कर दिया, हो गया, ये हो गया और ये मर्ज हो गया, बराबर। अभी हो गया हमारा यहाँ तक का पॉइंट, लेकिन इसको अपने को इधर तक चाहिए, इसको स्कैन कर सकते हो, इसको कितने डिस्टेंस में है वो भी चेक कर लो, उसके बाद आप कर सकते हो, पसंद हमारा अलग अलग, इसको डिलीट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, कर दिए यहाँ तक हो गया। अभी एक्स्ट्रा है तो उसको आपको देख के आप कितना एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ जाके लाइन में चले जाते हैं, लाइन में जाने के बाद ये पॉइंट से लाइन में जाने के बाद ये पॉइंट से लाइन में गए, पॉइंट को सेलेक्ट किए और इसको सेलेक्ट करें, हमारा इसमें पीछे पाँच पाँच अंक तक एक्स्ट्रा करना है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें जाएंगे वाली लाइन में, ठीक है, क्लिक करेंगे इसका और पाँच अंक एक्स्ट्रा करेंगे, आ गया, इसे थोड़ा सा आ जाएगा, पूरा हम लोग मर्ज कर देंगे इसको, ये हो गया। हम लोग क्या करना है, इसको मिरर कर सकते हैं, मिरर कर इसको क्या कहते हैं ना, ये हमारा मर्ज है, ये देख सकते हैं इधर इधर मर्ज हो गया, ये हमारा ये लाइन मर्ज, हम लोग क्या करते हैं इसको मिरर कर देते हैं, मिरर में जाएंगे तो इसके मिरर हमारा क्या करे, ये वाले ऑप्शन में जाएंगे तो हमारे पास मिरर का ऑप्शन आएगा, देख लेते हैं, हाँ इसको क्लिक कर देंगे। अभी आपको दिखा रहा है कि हमको वाई और एक्स में मिरर करना है, बराबर, तो हम लोग इसमें चले जाएंगे, मॉडल को हाइड कर देंगे, अपनी मिरर करना है हम लोग वाई और जेड, वाई और यस, तो वाई जेड को मिरर करना है, वाई जेड को मिरर कर देंगे, आ गया, ये हो गया मिरर पड़ गया हमारा। अब इसको दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमारा जो मिरर है वो इस साइड है, हमको इस साइड मिरर करना है, बराबर, हम लोग अभी इस साइड मिरर कर देंगे, फिर से जाएंगे मिरर में, मिरर में जाने के बाद अभी हम लोग यस और जेड को मिरर करेंगे, एक जेड को मिरर के इधर आ गया। और ये देख सकते हैं कि मैं लाइन दिख रहा है, गैप दिख रहा है, इधर आपको क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है, ये इतना एरिया आपको क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है। आप क्या करोगे, आप उसको आप लाइन से मिक्स करा दोगे, ये आपका सबसे ईजी काम हो गया, इधर से इधर से ये लाइन में चल गया, ये लाइन से ये लाइन में चल गया, ये लाइन अगर हो गया, मैं हमारा एक लाइन बन गया, एक लाइन बन गया, ये वाला जो हमारा ये हो गया सिंगल सिंगल, अब ये हो गया, इसको पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करके सेव करेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी 2D प्रोग्राम कर देंगे। अभी आपका 10.15 का आपका कितना था, 10.15 का आपका क्या था, वो ये रनर, तो आप इसमें आप कोई भी कटर का प्रोग्राम प्रोग्राम बना दो, प्रोग्राम बनाते टाइम तो आठ का भी कटर बना सकते, लेकिन तो 2D चलने वाला है, आपका वो जितने का आप प्रोग्राम आठ का बनाओ, चलाते टाइम तो आपको 10 का चलाना पड़ेगा, जितने का आपका रनर आपको चाहिए, प्रोग्राम आप किसी भी कटर बना लो, लेकिन आपको बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप अच्छे ही चलाओगे, जितने आपको रनर चाहिए उतना प्रोग्राम में चला देते हैं, टू डी में अच्छे से चला जाते हैं, टू डी में चले जाते हैं, टू डी करो तो प्रोफाइल को उठा देते हैं, उठा लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिए, और इसके सेटिंग्स में आ जाते हैं, सेटिंग्स में इसका कटर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं कटर ले लेता हूँ, कोई भी कर लेता हूँ, सॉरी अपने को बॉल लेना चाहिए, बॉल में जाएंगे, बॉल ले लेंगे, बॉल हो गया 10 का हमारा, उसके बाद हम लाएंगे इसमें पैटर्न हमारा जो है सब कर देंगे, सेंटर लाइन को अभी डीपी, अब आ गया डीपी, लेकिन आपका 10.15 तक तो 10 ले आएगा, मतलब पाँचवा डीपी में आएगा, अब पाँच में ले लीजिए उसको, माइनस पाँच में पाँच में ले नहीं कर दिए, गोल्डन का चाहिए आपको ले लीजिए, इसमें पाँच एम डीपाइन चलने के लिए ये तक पट आपका जो भी रहेगा, 5.5 का डाल दें, फिर आपका डायरेक्शन हो गया पैरामीटर्स, इसमें हो गया फिर इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, इसमें आ जाएंगे तो इसको हम लोग जीरो रख देंगे, इसमें जीरो रखेंगे तो हमको टॉलर कुछ भी नहीं देना है, और ये वाले ऑप्शन को हमेशा ये वाले ऑप्शन को हमेशा ऑन करके रखना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, अगर आप इसको यस नहीं करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है ना वो मॉडल के अंदर घुस जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा और आपका एक्सीडेंट होने का चांस हो जाएगा इसके लिए।
आप लिंक में आगे रहते हैं तो लिंक का ऑप्शन में भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको लिंक में जो है आपको दे सकते हो, लिंक में इसको वीडियो में सेव रखने का, सब फीड जो रहेगा वो फीड दे देगा। ये काम आपका बाहर भी कर सकते हो, इधर ऐसा जो काम करना रहेगा आप किसी का लिंक का, ये सब आप बाहर भी कर सकते हो। यहाँ आ गए अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, आपका एक प्रोग्राम बनने लगेगा। जी सबका प्रोग्राम बन गया, ये आपका प्रोग्राम बन गया। इसको मैं सिमुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ, और कैमरे सिमुलेशन में थोड़ा स्लो करके ऑन कर दिया। ये देख सकते हो प्रोग्राम चल रहा है अलग अलग, इसका मैं थोड़ा फुल सिमुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले एक कमेंट आया था भाई का, इसमें कि पावर स्टेक में हम लोग मॉडल कैसे जाते हैं, तो जैसे कि आपको कभी पैचिंग करना, जैसे मेरे को ये वाली प्रोफाइल को पैच करना है, जो प्रोफाइल है ना उसमें इसको पैच करना है। तो अब जब पैच करना तो आपको क्या करोगे, इसके लिए आपको पैच करना है तो इस सर्फेस को सेलेक्ट कर लेना, जिसको आपको पैच करना है, सर्फेस चॉइस करने का, राइट क्लिक करने का, इस सर्फेस मोल्डिंग का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करोगे ना तो आपको ये ऑप्शन आने लगेगा। इसमें देख सकते हो ये दिखा रहा है आपको स्टार्ट पावर पे, जैसा यस करोगे तो आप पावर में पावर स्टेक में ऑटोमेटिक चले जाओगे। इधर जाकर आप पैच करके इधर से ऑप्शन आएगा, यस करके आप डायरेक्टली इसमें भी आ सकते हैं। ऐसा ये हो गया हमारा पावर स्टेक में जाने के लिए, ये हो गया। इसको मैं सिमुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ, इसमें जाते हैं सिमुलेशन में चले जाते हैं, सिमुलेशन में चले गए और इसको मैं प्रोग्राम पे सिमुलेशन कर देता हूँ। देख सकते हैं अलग अलग पहले बना, ये सिंगल बना हमारा प्रोग्राम, सिंगल चल रहा है, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। इसमें टाइमिंग कितना आएगा, जल्दी जल्दी प्रोग्राम ही बन गया। अब ये प्रोग्राम पे आपको कितने तक पता चलाना रहेगा, आप चला सकते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी इस प्रोग्राम अभी जो हमारा प्रोग्राम बना हुआ है जस्ता बॉल, आप चाहो तो अपनी 20 का भी कटर चला सकते हो, जितने अच्छे से रनर चला सकते हो इसमें। और हम लोग रनर का प्रोग्रामिंग कभी भी रहेगा तो करते हैं। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, मेरे को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।